आरएसएस के नाम पे भी बेचारा दलित जा रहा है जेलों में। 36 इंच का चीना आपका नहीं, अब हमारा है, अब हमारा है। आइए मैं बिंदी लगाऊंगी, आप पहचानी में कौन है? जिसमें चारों धर्मों के लोग शामिल हैं, मुसलमान भी हैं इसमें, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी लोग शामिल हैं। जब होमवर्क नहीं करते तो ऐसा ही होता है, जब आपने कुछ पढ़ा नहीं तो ऐसे ही होता है, अंडा ही मिलता है आपको। इधर मुसलमान लोग कुरान खानी कर रहे हैं और इधर पंडित जी जो है यज्ञ कर रहे हैं। माशाल्लाह आप लोग की दुआओं से प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ये बाइबल पढ़ रहे हैं, इधर सिख धर्म गुरु जो है अपना पाठ कर रहे हैं, इधर मुसलमान लोग कुरान खानी कर रहे हैं और इधर पंडित जी जो है यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें चारों धर्मों के लोग शामिल हैं, मुसलमान भी हैं इसमें, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी लोग शामिल हैं। यहाँ पे भी चल रही है और माशाल्लाह कवरेज बहुत ज़्यादा है, पब्लिक बहुत है, अभी धीरे धीरे पब्लिक और बढ़ रही है। आप लोग इसी तरह दुआ करते रहिए, ये प्रोटेस्ट इस तरह आगे बढ़ता रहे। NRC और CA के अगेंस्ट, तो इसी को लेके हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे मैम आपसे कि क्या दिक्कतें हैं जो आप लोगों को आ रही है, क्योंकि लगातार एक महीना हो चुका है, अब क्या हालात है यहाँ के? सर हालात तो आपको नजर आ रहे हैं कि लाखों लोग पब्लिक जो है यहाँ पर रोड पर है, हमें कोई मीडिया की जरूरत नहीं है, हमें इंटरनेशनल मीडिया की जरूरत नहीं है, कोई आए ना आए, अपनी रोटियां सेके ना सेके, गोदी मीडिया आए ना, हमें कोई परवाह नहीं है। इस वक्त जो मोदी ने ना 130 करोड़ लोगों को जगा दिया है। हम सुनते थे मोदी जी सोते नहीं है, 2 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, और हम सो रहे थे। 70 साल से जो हिंदुस्तान की पब्लिक थी वो सो रही थी। हमारे पे कांग्रेस ने जुल्म करा, बीजेपी ने जुल्म करा, ये आती रहती, कभी ये जुल्म करती, कभी ये करती, कभी ये, और हम बैठे रहते हैं, शायद अच्छे दिन आएंगे। तो मैम आप पार्टी को, जैसे आपने कांग्रेस को बताया कि उसने भी जुल्म किया, बीजेपी ने भी किया, तब कौन सी पार्टी आएगी जो सर, ये पार्टी हिंदुस्तान का कुछ नहीं होने वाला जब तक यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं आएगी। हम ऐसे ही पिटते रहेंगे, कुछ साल हम कांग्रेस से पिटेंगे, कुछ साल हम बीजेपी से पिटेंगे, तो जो ज्यादा जुल्म करेगा हम फिर कम वाले जुल्म की तरफ आ जाएंगे, तो टेनिस बॉल की तरह हम लोग आते रहेंगे। जब तक कोई तीसरी पार्टी नहीं आएगी तो ऐसा ही होगा। केजरीवाल के इतने दुश्मन क्यों है? क्योंकि केजरीवाल को इन्होंने देखा वो एक सोच है, वो एक इनकलाब है, वो एक CM है, तो उसकी उंगली करके रखते हैं। ये कहते जी उसने बसों में फ्री कर दिया, अबे जुल्म कराएगा अगर बसें फ्री करी, चलिए लेडीज के लिए करिए, कुछ तो अच्छा काम कराए, 200 यूनिट बिजली फ्री करी, पानी फ्री कर, कुछ तो अच्छा कराए, तो आप CM जैसे केजरीवाल। मैम बात यहाँ पे NRC और CA की हो रही, तो मैं चाहूंगा कि आप CA क्योंकि अभी देखिए फिलहाल वो जो आप ये जैसे मोदी सरकार ये लेकर आए, अब आप वो कह रहे हैं कि जी हम NRC लेकर आ रहे हैं, जैसे आपने पहले होमवर्क तो करा नहीं था, आपने आसाम में 3.5 साल पहले लगा दिया, इनको खुशफहमी की सारे मुसलमान कर जाएंगे। जब होमवर्क नहीं करते तो ऐसा ही होता है, जब आपने कुछ पढ़ा नहीं तो ऐसे ही होता है, अंडा ही मिलता है आपको। तो 19 लाख में से 16 लाख नॉन मुस्लिम बाहर हो गए, वो हिंदू नहीं थे, वो बंगाली थे, ईसाई थे, सब थे। अब मोदी सरकार परेशान, अब क्या करूं, या तो मेरी भत पिट जाएगी, गले अब हड्डी जो है गले में आ गई, अब उसने फिर दिमाग लगाया उसके IT सेल ने, क्या करें, तो अभी लाए CAA, यानी अब हम जो है संशोधन ही कर देते हैं पूरा, हम अंबेडकर के कानून को चेंज कर देते हैं, उसमें कह देते हैं क्योंकि मुसलमानों को बाहर करना था उन्हें। लेकिन CAA तो कांग्रेस का लाया हुआ है जैसा कि बताया जा रहा है, वो तो खाली उसका, कांग्रेस ने उसको लागू तो नहीं करा, कांग्रेस लाती तो तब भी यही होता। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं साबित करूं मैं अपनी माँ की बेटी हूँ? नहीं करेगी वो साबित, मैं हूँ अपनी माँ की बेटी हूँ, मैं कैसे साबित करूंगी? आप कैसे कह देंगे? आप कहते हैं हमें कपड़ों से पहचान लेंगे, आप मेरे कपड़े पहनी, मैं आपके कपड़े पहनूंगी, फिर बताइए मैं बिंदी लगाऊंगी, आप पहचानी मैं कौन हूँ? बिल्कुल सही काम मोदी जी ने, हम अपने कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, RSS के दल्ले अपने कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस वाले अपने कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, वीडियो खुली खुली वायरल हो रही है, और फिर भी कह रहे कपड़ों से पहचान, किसी मुल्क का PM ऐसे करता है? आप अमेरिका जाते हैं, आपकी बार ट्रंप सरकार, क्या हिंदुस्तान में सब चंदसी हो गया? आप अमेरिका जैसे बन के तो देखिए, 17 साल के बच्चे को वहाँ पर जॉब मिलती है, मेरी इंटायर फैमिली अमेरिका में रहती है, 40 साल में वहाँ पर पेंशन शुरू हो जाती है, आप अमेरिका जैसे बनिए तो सही, तो आप पूरा हिंदुस्तान बीच के खा गए। उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूँ, हाँ हमें समझ में आ गया आप चौकीदार हैं, लेकिन आप हमारे चौकीदार नहीं है, आप अंबानी के चौकीदार हैं, आप अदानी के चौकीदार हैं। 10 साल पहले आप बताइए अंबानी क्या था, 0 था अंबानी, अब क्या है, पूरा सारा अंबानी को बेच चुके हैं आप। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे हमारे पे हमला करा था ना, ऐसे अदानी हमारे ऊपर हमला हुआ है, अभी अदानी अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए, बताइए। सर 132 करोड़ इंडियन है, तो हिंदुस्तान की जेलों की बता दीजिए मुझे, आप घरों को जेलें तो बना नहीं सकते हैं, इतनी गोलियां तो आपके पास नहीं होगी, आप सबके सीनों पर मार देंगे, 36 इंच का चीना आपका नहीं, अब हमारा है, अब हमारा है, मारो। तो हिटलर का इंजाम क्या था, 80 लाख यहूदियों को खा गया था वो, फाइनली क्या करा, सुसाइड करके मरा था। तो हिंदुस्तान में जो है ना, ये जो जितने ब्राह्मण है ये कहते हैं हम इंडियन, कोई इंडियन नहीं है, आप इंडिया का DNA भारत का टेस्ट करा कर देखे, वो आर्यन हाइब्रिड है, जो यहूदी थे यहाँ पर आके आर्यन बन गए, तो आप तो यहूदी सोच लेकर आए, RSS जो एक यहूदी सोच है, 2 Nation Theory, लड़ाओ और हुकूमत करो, तो आप वापस जाएंगे। आप क्या लगता है आपको डिवाइड एंड रूल क्या काम करेगी, क्योंकि लगातार नहीं करा,
मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे थे, अभी यूपी में सीए टारगेट कर रहे थे। आप आरएसएस में देखिए, कोई एलीट क्लास आरएसएस में है? सारे रक्षा झल्ली वालों को आरएसएस में भर रखा है इन्होंने, सारे ओबीसी दलित वही तो आरएसएस के बने हुए हैं। तो जब उनको समझ में आ जाएगा ना कि वो क्या हो रहा है, तो यानी कि यहाँ तो डबल गेम खेला जा रहा है, आरएसएस के नाम पे भी बेचारा दलित जा रहा है जेलों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।